आइए दोस्तों, आज मैं इतनी अच्छी फर्टिलाइजर बताऊंगी, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक, जो आप लोग फेंक देते हैं और बाहर से वही उसी तरह की मार्केट से खरीद करके लाते हैं। आज उसी फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो वॉच करें, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है माँ के माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में, मेरे यूट्यूब परिवार को। और दोस्तों, ये जो है तरह तरह की जो मैं DIY लेकर के आती रहती हूँ, तो आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं और सराहते भी हैं। चलिए अब दूसरी तरफ मूव करते हैं मेन मुद्दे पर, फर्टिलाइज़र के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो फर्टिलाइज़र देखिए जो मैं बनाती हूँ घर में, मैं जल्दी से फर्टिलाइज़र खरीदती नहीं हूँ, जितना हो सकता मैं अपनी किचन वेस्ट से निकालती हूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं तीन तरह की फर्टिलाइज़र एक वीडियो में बताऊँगी। ये फ्रेंड्स हैं लहसुन और प्याज के छिक्कल। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे करेला वगैरह है या कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं, तो हम लोग प्याज क्या करते हैं, इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं छिक्कलों को। और ये फ्रेंड्स मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया, ये भी प्याज के छिक्कल का ही डिब्बा है। तो मैंने ऐसे ऐसे जगह जगह, जैसे आयरन का है वो भी मैंने बना करके रख लिया, लेकिन फ्रेंड्स सारे मैं वो भी डिब्बे दिखा दूँगी। अब ये मैंने डिब्बे में क्या किया कि पूरा इसको डिब्बा जितना भी था हमारा, ये मैंने इसको भर दिया लहसुन के छिक्कल से और ये प्याज के छिक्कल से। फ्रेंड्स जो थोड़ा सा नीचे गंदा रखा था ना पानी, उसमें मतलब प्लेट में एक प्याज के छिक्कलों का ही था, जो धुल करके बनाते हैं सब्जी को, तो वो पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब क्या करना है कि इसको इसमें ऐसे दबाते हुए अच्छी तरीके से, क्योंकि 2-3 दिन का ये प्याज हो गया था हमारे पास, मैंने सोचा कि चलिए अब की बार वीडियो ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये फ्रेंड्स ढक करके मैंने रख दिया, ठीक है, ये ढक के रख दिया। ये 2-3 दिन तक ये ऐसे ही इसको सड़ाएंगे, जो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा जब ये। और इसको बीच बीच में क्या करना कि हिलाते भी रहना है ना। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसको इस तरह से देख रहे हैं कि मैं इसको अब बिल्कुल रेडी हो गया है ये हमारा। अब इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको देखिए नीचे से ऊपर तक चला देते हैं। चलाने के बाद में देखिए कितना अच्छा कलर छोड़ दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप तुरंत का तुरंत भी करना चाहते हैं तो आप उसे तुरंत का तुरंत भी कर सकते हैं। कुछ मेरे प्याज सड़ भी गए थे, तो वो भी मैंने मोटा मोटा काट करके उसको भी इसी में डाल दिया। और आप कभी देखिएगा कि बारिश में प्याज ज़्यादातर ही सड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मार्केट जाते हैं तो मार्केट से भी अगर छिक्कल विक्कल पड़े हैं प्याज सब्जी वाले के पास, तो शर्म करने की ज़रूरत नहीं, उसको भी ले आइए वहाँ से उठा करके पॉलीथिन में, वो लोग खुद ही भर देते हैं। जब हम लोग प्याज वगैरह खरीदते हैं ना, तो उन लोगों से कह दो ना कि एक भैया पॉलीथिन में ये भी छिक्कल को भर दीजिए, तो भर देते हैं। और आराम से वो पूछते भी हैं कि किस लिए लिए जा रहे हैं, तो आप बता दीजिए। अब ये 3 दिन में मेरा प्याज का छिक्कल जो है ये सड़ करके बिल्कुल रेडी हो गए। और कलर देख रहे हैं फ्रेंड्स आप कि कितना कलर वैसा डार्क हो गया है। अब इसको क्या करना है कि ये देखिए कि जो छिक्कल छिक्कल है ना, इनका अभी ऊपर से निकाल लेती हूँ। ऐसे निकालने के बाद में अभी डिब्बे में ही रख दूँगी, और नहीं तो किसी प्लांट्स में मिट्टी में जा करके। अब ये फ्रेंड्स ये भी अभी ख़राब नहीं हुआ है, ये तो मैंने छाया के लिए किया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है जो छाया में मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं। और वो प्लांट्स जो है, जो इसका ये डालना छिक्कल डालना है, ये तो ये ओपन टेरिस पे डालना, चूँकि बारिश शुरू हो गई है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें बाल्टी को भर दिया और देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसमें। अब क्या करते हैं कि अब चलते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं वीडियो में कि थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग तो जानते हैं कि इस साल कितना नुकसान हुआ पौधों में, बहुत दसियों हजार का नुकसान हुआ, प्लांट्स सारे के सारे जल गए। छाया धूप की तो कहने की कोई बात नहीं, छाया में भी प्लांट्स बहुत जले हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं दूसरी तरफ, जो दूसरा वीडियो मैंने बना के तैयार किया, तो उसके लिए भी बताते हैं कि जो मैंने दो तरह की फर्टिलाइज़र को बनाया था वो भी आप देखिएगा। तो वो आज ही मैं बना रही हूँ, तो इसको फिर 2-3 दिन बाद वो फर्टिलाइज़र मैं ऊपर डाल दूँगी जा करके, मतलब बालकनी में। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे छिक्कल हैं तो छिक्कलों के, केले के छिक्कल हैं तो केले के छिक्कल को भी क्या करते हैं कि इसमें डाल देते हैं। और केले जैसे सड़ वगैरह भी जाते हैं ना,
तो उनको भी मत फेंकिएगा, इनको भी इसमें डाल दीजिए। अब इनको क्या मसल दीजिए, हाथ से कोई सड़े तो है नहीं ना फ्रेंड्स, तो हाथ से भी मसलना चाहे तो हाथ से मसल दीजिए, और नहीं तो आप मिक्सी में एक बार राउंड लगाइए जार में डाल करके, बहुत अच्छे से पीस जाते हैं। और पानी डाल के जब पीस लेंगे तो बहुत अच्छे से, कोई इनमें झंझट नहीं रहता। एक चीज़ मैं ये भी बता रही हूँ फ्रेंड्स, एक्चुअली में मेरे यहाँ लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा कि चलिए ऐसे ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो इसको क्या करना कि ऐसे मसल लीजिए हाथों से, और मसलने के बाद में फिर क्या करना है कि इसको ढक्कन से किसी प्लेट से ढक के रख दीजिएगा, है ना। और बीच बीच में ये भी जरूर करते रहिएगा कि दो से तीन बार इसको चलाते रहें। अब फ्रेंड्स तीसरी मैं फर्टिलाइजर दिखाने जा रही हूँ, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो ये भी 100% ऑर्गेनिक है। ये फ्रेंड्स मैंने तो फ्रेश चाय ले रखी है, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि जो मैं चाय पत्ती कैसे सुखा करके उसको तैयार करती हूँ, कैसे अदरक बनाती हूँ, उसका बहुत जल्दी छोटा ही शॉर्ट वीडियो ला करके दिखा दूंगी। क्योंकि अभी अदरक सूख रही थी और सॉरी ये चाय की पत्ती तो दिमाग से निकल गया, जब मैंने वीडियो को वॉइस ओवर दिया तब फ्रेंड्स मेरे को ध्यान आया जाके। तो मैंने फ्रेश चाय की पत्ती को लिया, और चाय की पत्ती लेने के बाद में फ्रेंड्स देखिए एक मग इसमें, एक लीटर में एक मग पानी ऐड किए दे रहे हैं, और ये 4 टीस्पून जो है हमारी चाय की पत्ती फ्रेश है, तो ज़्यादा चाय की पत्ती फिर इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्रेश है ना। अब क्या करना है फ्रेंड्स, उलटते पलटते इनको जैसे शरबत बनाया जाता है ना फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से इसका घोल थोड़ा बना देंगे अगर जल्दी करना है तो, नहीं जल्दी करना तो 2 दिन अगर इसमें रखेंगे तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या करें कि ऐसे उलटते पलटते ऐसे कर लीजिएगा। अब क्या करना है कि इसको ढक करके रख दीजिए। अभी इसको 2 दिन ऐसे डेली चला दिया करिएगा, है ना, या हाथ से किसी लकड़ी से चलाना चाहे तो लकड़ी से चला दें। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, मैं नए नए तरीके लेकर के आती रहती हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, थैंक यू फ्रेंड्स।